कैसे हैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की यानी 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत गर्व और खुशी की बात है कि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, और स्वतंत्र भारत में रहते हुए हमें और आगे सोचना चाहिए कि और इसको हम तरक्की कैसे दे सकते हैं और देश को आगे कैसे लेके जा सकते हैं कि दुनिया में अपनी एक मिसाल कायम कर सके। बहुत लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस दिशा में जुटे भी हुए हैं कि देश को आगे ले जाएं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सोचते हैं कि देश में क्या रखा है, इस देश में कुछ नहीं है। ये चीज़ मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी बात की थी कि हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोच रखते हैं कि हमारे देश में तो कुछ नहीं है, इसलिए विदेश चले जाना चाहिए, विदेश में जाके बस जाना चाहिए, वहीं पे सब कुछ है, वहीं पे सब कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है। इसी बारे में एक बात और मैं बताना चाहती हूँ। हमारे एक मित्र हैं, बहुत साल पहले की बात है, वो भी विदेश सेटल हो गए थे। उनकी यही सोच थी कि इंडिया में, हमारे देश में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे तो कोई तरक्की है नहीं, हम बाहर चले जाते हैं, वहीं पे सेटल होंगे, और वो बाहर चले गए। कुछ समय बाद जब मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो बहुत, उनकी आवाज़ से जो साउंड हो रही थी ना, वो बहुत सैड थी, उदास। वो बोले बिल्कुल मन नहीं लग रहा, बहुत याद आती है देश की, कई बार लगता है कि हमने अच्छा नहीं किया इसको छोड़ के। ये चीज, ये बात हमें इंडिया छोड़ने के बाद महसूस हुई, जब यहां रहते थे तब भी महसूस हुआ, ये बात तब महसूस हुई। उस समय तो मैंने बात करके उनसे फोन रख दिया, पर बाद में मैं उसी बारे में ही सोचने लगी, और सोचते सोचते मैंने लिखी थी एक कविता इसी कंटेस्ट में कि जो लोग बाहर चले जाते हैं उनकी क्या सोच है, और हम जो इंडिया में रह रहे हैं हम क्या सोचते हैं। तो आज मैं आपको सुनाती हूँ अपनी लिखी एक कविता, मेरा भारत महान। पहली पहली बार विदेश जाने पर अपने देश का मर्म जाना, वो अपनापन, वो एहसास वहां गुम थे। संस्कार हो चुका था संवेदनाओं का, विकृत विकारों रूपी पाषाणों का हो रहा था सतत प्रहार। मानो मैं एक निरह विहान निर्झर की तलाश में खिन, गुमराह, हताश सी संबल खोज रही हूं। पहली पहली बार महसूस हुआ परिवेश मेरे देश का ज्वलंत है, विराट है, तपते आतप में घने विटप की छांव है, नवजात शिशु के लिए माँ के शीर समान है, दुखों का सहारक है, सहज है, सस्मित है, नीत है, वात्सल्यता का प्रतीक है। कण कण के इससे प्रेम छलकता है, तभी तो देशभक्ति गीतों पर मन आज भी भाव विहल हो उठता है। आज मैंने पहली पहली बार ये जाना, यही है वो अपनापन, वो एहसास जिससे है मुझे मेरे हिंदुस्तान पर नाज, मेरे हिंदुस्तान पर नाज, मेरे हिंदुस्तान पर नाज। तो ये तो थी कविता। बेशक हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए, हमारे क्या अधिकार हैं हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए, पर अपने कर्तव्य भी नहीं भूलने चाहिए। देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं हमें वो हमेशा याद रखने चाहिए। तो जरूर सोचिएगा इस बारे में, कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा।